इस तलघर से होकर जाता है दिखाने का रास्ता। सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था ताकि कभी भी अकस्मात अगर कोई आक्रमण हो जाता है तो राजा इसका उपयोग करके निकल सकते थे यहाँ से। सुरक्षा पर एक देवी जी का मंदिर भी बना हुआ है और ऊपर काफी सुंदर डिजाइन अंकित किया गया है। नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने सफर में पहुंच चुके हैं जो छतरपुर के महेवा द्वार पर, जिसे महेवा गेट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना महाराजा छत्रसाल द्वारा, ये जो नगर है महेवा, इसको बसाया गया था 1678 में, और इस दरवाजे को भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इसे महेवा गेट के नाम से जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। महाराजा छत्रसाल, उनका जन्म हुआ था टीकमगढ़ जिले की मोर पहाड़ी में, जो कि अभी लिधौरा तहसील और पलेरा विकास खंड के अंतर्गत आता है। और उनके जीवन के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि महज जब वो 5 साल के थे, तब से ही उन्होंने युद्ध कला और तलवारबाजी के लिए उन्हें उनके मामा साहेब सिंह के पास भेज दिया गया था देवलवारा। और महज 12-13 साल की उम्र में उन्होंने अपना युद्ध करना चालू कर दिया गया था, जो कि आप जानते हो कि महाराजा छत्रसाल 12-13 साल की उम्र में ही उनके ऊपर से उनके माता पिता का साया उठ गया था। आपसी विश्वासघात के कारण उनकी जो पारंपरिक जागीर, राजमहल, राजपाट, सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। सिर्फ बचा था उनके पास तो उनका अदम्य साहस, उनके संस्कार और उनकी मातृ शक्ति और मातृभूमि के प्रति जो उनका विश्वास और जो उनकी मातृभूमि के प्रति बलिदान की इच्छा थी, वो बची थी। और कुछ ना होने के बाद भी महाराजा छत्रसाल ने इतना संघर्ष किया, अपने पूरी जीवन में मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ते रहे और पूरा जीवन संघर्ष किया, और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के लिए पूरे जीवन जूझते रहे। और उन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी राजा से महाराजा की उपाधि प्राप्त की और मुगलों को यहां से खदेड़ा, जबकि 52 युद्ध भी लड़े और उन्हें जीता भी। तो आइए आज हम विजिट करेंगे शीतलगढ़ी और इस महेवा गेट को। इस गेट को आप देख सकते हो, लगभग 30 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा यह गेट महेवा गेट के नाम से जाना जाता है, जिसके दोनों तरफ सैनिकों को खड़े होने के लिए, बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं। और आप इसके अंदर आओगे तो लगभग यह 30 से 40 फुट की लंबाई में बना हुआ है, और दोनों तरफ आप देखोगे तो ये मेहराब वाले दरवाजे आपको दिखाई देंगे, और इसके अंदर एक दानाल बनी हुई है जिसमें जो सुरक्षा कर्मी थे तो यहाँ पर बैठकर इस गेट की सुरक्षा में रहा करते थे, क्योंकि इस गेट को पार करके ही शीतलगढ़ी के पास पहुँचा जा सकता था। दोनों तरफ इसी तरह की दानाल देखने को आपको मिलेगी, और इस दानाल के बगल से कुछ सीढ़ियाँ दी गई हैं जिससे कि आप इस दरवाजे के ऊपर पहुंचोगे और ऊपर से आप यहां का पूरा व्यू देख सकते हो। उस समय ये छोटी छोटी सीढ़ियां महज इसीलिए बनाई जाती थी और मोड़ दिया जाता था कि अगर कोई शत्रु इन पर चढ़े तो जो सैनिक हैं वो उसका गर्दन कलम कर दें। हम गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं तो यहां से आप देख सकते हो इसका व्यू कुछ इस प्रकार है। अभी कुछ टूट फूट भी हो चुकी है, और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं।
और यहां से दिखाई देगा आपको, ये देखिए इन पहाड़ियों में, इन वादियों में बने हुए महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित कई महल। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक खंडर में तब्दील, ये भी कोई महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित महल है। और सामने आपको जो दिखाई दे रही है वो है शीतलगढ़ी, जिसके अंदर अभी हम जाएंगे और उसे पूरा विजिट करेंगे। देख सकते हो इस दरवाजे की बनावट, क्योंकि ये दरवाजा उस समय महल की सुरक्षा के लिए कार्य करता था। सामने आपको धुबेला झील दिखाई दे रहा होगा और वहीं पर मस्तानी महल और हिदायसाय महल भी मौजूद है। और जो आपको मकबरा दिखाई दे रहा है वो है रानी कमलापति का मकबरा। दोस्तों ये जो धरती है वीरों की धरती है, और हमारे बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल जी बुंदेला इसी धरती पर अपना सौर और पराक्रम दिखाते रहे हैं, और उनके डर से मुगलों के पसीने छूट जाया करते थे। तो चलिए अब हम शीतलगढ़ी को विजिट करते हैं। दोस्तों महेवा गेट को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं शीतलगढ़ी में। शीतलगढ़ी यानी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे महाराजा छत्रसाल जी बुंदेला, तो जो नाच गाने के लिए इस शीतलगढ़ी को बनवाया गया था और घोड़े वगैरह भी यहाँ पर बांधे जाते थे, जो जिसे उस समय मुजरा बोला जाता था, ये काफी खूबसूरत बनी हुई है। तो इसकी एक एक चीज को हम विजिट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो राजा महाराजा बैठा करते थे वहां का बताता हूँ, उसके बाद हम इसके घुड़साल वगैरह जो भी देखने लायक काफी कुछ चीजें हैं उनको विजिट करते हैं। आप इसके अंदर देखोगे तो इस तरह का ये दानाल यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें छोटी छोटी अलमीरा बनी हुई है जो उस समय दिया वगैरह धरने के लिए बनाई गई थी। देख सकते हो ये पूरा दो दानाल बने हुए हैं जिसमें राजा महाराजा बैठा करते थे, और दोनों एक जैसे ही बनी हुई है। देख सकते हो आप यहाँ पर एक देवी जी का मंदिर भी बना हुआ है और ऊपर काफी सुंदर डिजाइन अंकित किया गया है। लगभग ये सात मेहराब वाले जो दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं दोनों तरफ, और यहाँ पर जो राजा के सेनापति उनके मित्रगण सारे बैठा करते थे। और ये जो आंगन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आंगन में मुजरा नृत्य वगैरह हुआ करता था उस समय। देख सकते हो काफी सुंदर इस आंगन है। और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो राजा का हस्तबल हुआ करता था, जहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। मैं आपको वहीं पर जाकर दिखाता हूँ ये एक चीज बारीकी से। ये देखिए यहाँ पर राजा महाराजाओं के जो घोड़े वगैरह बांधे जाते थे ये हस्तबल हुआ करता था। काफी चौड़ाई है इसकी और काफी ये मजबूत दरवाजे भी बने हुए हैं जो काफी खूबसूरत है और काफी मजबूत भी है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े बांध दिया करते थे, उजाले के लिए ये अलमारी बनाई गई थी उस समय। और यहां से राजा महाराजा देखा करते थे, सामने आपको देखिए सारे जो मस्तानी महल सारा कुछ दिखाई दे रहा है। देख सकते हो इन पहाड़ियों के बीच आपको बादल महल भी दिखाई दे रहा होगा। यहां पर काफी कुछ मंदिर भी बने हुए हैं, काफी कुछ ओरछा की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराजा छत्रसाल ओरछा के प्रतापी राजा रुद्र प्रताप जी के ही वंशज थे, तो ओरछा की तरह ही यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। काफी कुछ टूट फूट भी हो चुकी है यहाँ पर,
ये कोई राजा का विशेष कक्ष था या क्या था कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसकी बनावट से हमें ये प्रतीत होता है कि उस समय नहाने वगैरह के लिए बनाया गया था। देख सकते हो आप, नीचे पानी की निकासी भी की गई है। सामने ही आपको महाराजा छत्रसाल का जो मकबरा दिखाई दे रहा होगा, समाधि स्थल, जहां पर भी हम पहुंचेंगे। एक एक करके हम यहाँ के हर एक इमारत को विजिट करेंगे, हर एक जो किले महल को विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। काफी लंबा ये अस्तबल है, तो इससे मालूम होता है कि राजा महाराजाओं की सेना काफी बड़ी रही होगी। काफी मजबूती के साथ इसको बनाया गया है और काफी सुंदर इसकी बनावट है। अब हम इसकी दूसरी मंजिल पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं, कुछ देखने लायक जो भी होगा वो देखेंगे। महाराजा छत्रसाल ओरछा के महाराजा वीर सिंह जी देव के बाद दूसरे सबसे प्रतापी राजा थे, जबकि इनके जीवन में बहुत फर्क है। ओरछा के महाराजा वीर सिंह जी देव बुंदेला, जो जहांगीर के बहुत प्रिय मित्र थे, और जबकि महाराजा छत्रसाल जी बुंदेला मुगलों से लगातार युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे। ऊपर इसकी आप बनावट देखिए दूसरे मंजिल पर, तो ये सीधा छत्तियों से लकड़ियों के भीम डालकर इसका निर्माण किया गया है, और दोनों तरफ ये अलमीरा आपको काफी देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये महज नृत्य के लिए बनाई गई थी शीतलगढ़ी, जो कि यहाँ पर ठंडक भी काफी है, शीतलगढ़ी के नाम से जानी जाती है। काफी सुंदर इसकी बनावट है। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। पंकज, सविता, ऐसे, ये क्या है? ये हमारे देश की एक मजबूरी हो चुकी है, एक बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, मैं कई जगह ऐतिहासिक विरासतों को एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूं, और हर जगह मुझे देखने को मिलती है ये गंदी हरकत। ये देखिए, सविता, ऐसे, ये कहीं लव लिखा हुआ है तो कभी कोई गंदा लिखा हुआ है। ये क्या है? इससे क्या होता है? क्यों इन विरासतों के, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिनको राजा महाराजाओं ने एक याद के तौर पर बनाया गया है, काफी मेहनत हुई है इनको बनाने में, और सरकार भी इनको सुरक्षित रखने में काफी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ मूर्ख, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से, जिनके पास दिमाग की बहुत कमी है, कुछ भी लिख दिया जाता है। क्या होता है ये लिखने से, ये बताइए? क्या ये लिखने से तुम इस विरासत के साथ अमर हो जाओगे? मैं, जो भी भाई किसी विरासत पर जाते हैं और ये गंदी लिखावट करते हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ करते हैं विरासतों के साथ, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी ऐतिहासिक विरासत पर कोई भी गलत टिप्पणी ना लिखें। इससे हमारे ऐतिहासिक विरासतों को काफी ठेस पहुंचती है और समाज में गलत संदेश जाता है। समाज हम ही लोगों से बनता है, हम ही लोग उसे सुधारते हैं, हम ही लोग उसे बिगाड़ते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इन ऐतिहासिक विरासतों के अंदर जाने पर पाबंदी हो जाएगी, कम उम्र के बच्चे नहीं जा पाएंगे। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको देखें, इनकी खूबसूरती देखें, इनके अंदर क्या कुछ है, किस लिए बनवाई गई थी, कैसे राजा महाराजाओं ने इनका निर्माण किया, सारा कुछ देखें, कुछ सीखें राजा महाराजाओं से, उनके जीवन से किस तरह उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन किसी भी इमारत पर, किसी भी ऐतिहासिक विरासत पर कोई भी गलत शब्द ना लिखें। ये देखिए, कहीं भी देख लीजिए, ये हमारा भारत है, इस तरह हमारा भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये देखिए, किसी माँ बहन का नाम लिख देते हो, तुम्हारी भी माँ बहन होगी, क्या मतलब निकलेगा इससे?
कल के दिन अगर कोई तुम्हारी माँ बहन का नाम लिखेगा किसी जगह, क्या मतलब निकलेगा उससे? प्यार करते हो तो दिल से करो, कहीं पर लिखकर इजहार करते हो? यहां पर भी देखिए कितनी सुंदर इमारत है, यहां पर भी नृत्य हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर अगर कोई आए तो कैसे आए? ये देखिए लिखावट, चारों तरफ लिखावट देख लीजिए आप। सॉरी मैं थोड़ा भावुक हो गया हूं, बट मुझे गुस्सा आ रहा है ये सब देखकर। चलिए आगे देखता हूं। दोस्तों अब हम उस चीज को दिखाना चाहते हैं जो हर एक किले महल में होना अनिवार्य है, जिसे खुफिया रास्ता दहखाना बोला जाता है। जैसे कि अगर अकस्मात किसी राजा ने चढ़ाई कर दी और यहाँ पर घेराबंदी कर दी, तो जो खुफिया रास्ता दहखाने की सहायता से निकल जाया करते थे राजा महाराजा, जिसको अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए उस समय सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ बनाए जाते थे, तलघर वगैरह, जिन्हें अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये घुड़साल हुआ करती थी, और घुड़साल के जस्ट इस तरीका से बनाया गया था ये तलघर, जिसमें अभी हम जाने की कोशिश करेंगे। इस तलघर से होकर जाता है दहखाने का रास्ता। सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था, ताकि कभी भी अकस्मात अगर कोई आक्रमण हो जाता है तो राजा इसका उपयोग करके निकल सकते थे यहां से सुरक्षित। काफी डेंजरस रास्ता है, आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए दहखाने का रास्ता, कैसे पहुंचते थे राजा महाराजा यहां पर। यह है उस समय का दहखाना जिसे आप देख सकते हो। ऊपर से आपको लगता है शीतलगढ़ी, और नीचे छुपा हुआ है ये खतरनाक दहखाना, जिसमें राजा महाराजा कैदियों को कैद कर दिया करते थे, और कभी अगर आक्रमण हुआ करता था तो इसकी सुरक्षा से यहाँ पर जो ये दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ से राजा महाराजा निकल लिया करते थे। ये दहखाना है यहाँ का, देख सकते हो काफी मजबूती के साथ ईंटों पत्थर के साथ इसका निर्माण किया गया है, और ये जो बीमारी है यहाँ पर भी छाई हुई है, देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए, जिसको भी देख सकते हो आप, नंबर भी दिया गया है। ये कुछ नौजवान हैं जो लगभग एक पागल के रूप में हैं, और जब ये गलती कर देते हैं तो बहुत भयंकर इसकी सजा भी भुगतते हैं। देख सकते हो ये दहखाना है, जो कि आप जानते हो किसी भी महल में दहखाना होना एक जरूरत होती है। देखिए कितनी ऊंचाई से, कितनी गहराई पर ये बना हुआ है। ये राजा महाराजा उस सुरक्षा के लिए बनाया करते थे कि कभी कोई ऐसा समय आया कि किसी शत्रु ने अकस्मात आक्रमण कर दिया और राजा महाराजाओं को कोई भी रास्ता ना दिखे, तो इसका उपयोग किया करते थे, और इसको बड़ी ही सुरक्षा के साथ बनवाया करते थे ताकि दूर से नजर ना आए। अब इसके लिए मैं आपको देखिए, यहीं से आप देख लीजिए, ये है अस्तबल। अस्तबल आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां से आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको नहीं लगेगा कि यहां दहखाने के लिए भी कोई रास्ता है, आप सीधे निकलते चले जाओगे। लेकिन यहां पर दहखाना जो बहुत ही छुपा हुआ बना हुआ है, हमने आपको दिखाया है, और ये इसकी कुछ बनावट है जो बुंदेली शैली को दिखाती है, दर्शाती है, और ये कुछ अलमीरा भी बने हुए हैं जो सिर्फ दियो के लिए रखने के लिए कुछ सामान वगैरह